अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई ते पद दर्शक देव रहन युत बोधक जोई ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित शीश झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरण हित। बोलिए सदगुरु देव की जय। मंचासीन परम पूज्य श्री संत गुरुजनों, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज की जो सभा है सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब जी के श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित की गई है। पूज्य सद्गुरु ज्ञान साहेब जी आप लोगों के लिए अपरिचित नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे महापुरुषों की याद करना, बारंबार याद करना, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। संत सुखी गुरु ज्ञान में जहां न दुख को नाम, ज्ञानय करय आहार नित बसय ज्ञान के धाम। संत सदैव गुरु ज्ञान में सुखी होते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए सुख का साधन अगर है तो वो गुरु का ज्ञान ही है। दुनिया के ज्ञान से कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। ज्ञानियों की यहाँ कमी नहीं है। भौतिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान और अनेक अनेक प्रकार के ज्ञानों से लोग संयुक्त हैं, लेकिन फिर भी वे दुखी हैं, पीड़ित हैं, बेचैन हैं। उनका दुख नहीं मिट रहा, वे सुखी नहीं हैं। सुखी होने का साधन है गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का मालिक संत होता है, और सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब जी संत थे। आप सब लोग भी संत की रहनी को अपनावें। अगर सुखी होना चाहते हैं तो अपने स्तर से संत के भेष की जरूरत नहीं है सबको। भेष तो एक बाद की बात है। काम होता है संत के रहनी से, ज्ञान और आचरण से, और वो आचरण का मालिक कोई आश्रमधारी, भेषधारी, लंगोटीधारी या अमुक पंथ मत संप्रदाय मत मजहब में जाने वाला हो, ऐसी बात नहीं है। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति उस रहनी को, उस स्वभाव को, उस आचरण को अपना ले और वह सुखी हो सकता है। और सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब जी ऐसे ही रहनी के धनी महापुरुष थे। वे जिस प्रकार व्यक्तित्व उनका बाह्य व्यक्तित्व था, वैसे ही आंतरिक व्यक्तित्व भी था। वे बाहर से एक हष्टपुष्ट शरीर से, बुढ़ापे तक भी उनका शरीर वैसे ही काफी बुलंद था, साथ साथ अंदर से भी वे बड़े बुलंद थे। बड़ी बड़ी सभाओं में हजारों की भीड़ जहां होती थी, मंच की शोभा बढ़ाने वाले, ओजस्वी पूर्ण भाषा में वक्तव्य देने वाले और ठोस सिद्धांत को व्यक्त करने वाले और विद्वानों को भी दहला देने वाले पूज्य सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब जी थे। उनके विचारों में जोश होता था,
और जोश के साथ साथ लोगों के होश को भी उभार देते थे और उनके लेखनी में भी बड़ा दम होता था। वे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के काफी पहले से बड़े अन्यतम निकट रहने वाले थे। एक बार सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी छत्तीसगढ़ में थे, वहाँ पर उन दिनों एक पुस्तक लिखा था। काफ़ी दिनों से जिस पुस्तक की डिमांड थी संतों और भक्तों में, फिर गुरुदेव जी जब छत्तीसगढ़ गए तो फिर संकल्प किए कि इस पर काम करना है, और वो पुस्तक लिखे ब्रह्मचर्य जीवन। आप लोगों को पढ़ना चाहिए पुस्तक, सबको पढ़ना चाहिए ये पुस्तक। या स्वभाव या जीवन जीना केवल साधकों के लिए ही नहीं है, सबको अपने स्तर से ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने वो पुस्तक लिखा और जब लिख कर तैयार हो गया तो उसकी पांडुलिपि जो कापी रूप में थी, पूज्य श्रद्धेय श्री ज्ञान साहेब जी के पास उन्होंने भेजा। और उन दिनों श्री ज्ञान साहेब जी परमार्थ निकेतन हरिद्वार ऋषिकेश में रहते थे। तो कई दिनों के बाद उड़ान द्वारा वो पांडुलिपि पहुंची और गुरुदेव जी ने उसमें लिख दिया था कि आप इसको पढ़ करके इसकी भूमिका लिखिएगा। और लिखे, उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके लिखे, और आप देखिएगा वो भूमिका कितना ओजपूर्ण और कितना अच्छे शब्दों में पूज्य साहेब जी ने लिखा। साथ साथ उनकी पुस्तकें, अभी पूर्ववक्ता संत श्री यतीन्द्र साहेब जी ने बताया कि कई पुस्तकें हैं। एक पुस्तक छोटी सी है उनकी, दो में से एक। आप सुखी होना चाहते हैं या दुखी, संयम का जीवन जीना चाहते हैं कि असंयम का, इस प्रकार से एक कई विकल्प दे करके उसमें बताया गया है। और ऐसे लाजवाब विकल्प हैं कि आप पढ़ करके लगेगा कि निश्चित ही संयम का जीवन ही सुखी जीवन है। आप क्या चाहेंगे, कोई आपसे पूछे कि संयमी जीवन जीना चाहते हैं कि असंयमी, तो कहना ही पड़ेगा संयमी। असंयमी कहने का मतलब है अपने हाथ को आग में आप डालने को तैयार हो रहे हैं। तो केवल कहने की बात नहीं, जीना भी पड़ेगा तब काम बनेगा। तो पूज्य श्रद्धेय श्री ज्ञान साहेब जी, जिस प्रकार से उनका बाह्य व्यक्तित्व वैसे ही आंतरिक व्यक्तित्व था, वे एक साधक थे, संत थे, और संतों में एक अलग अपनी पहचान, अद्वितीय पहचान वे बनाने वाले थे। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन से जुड़ी हुई उनकी अनेक घटनाएं हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादा रहना गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के साथ हुआ, और उनसे संबंधित अनेक घटनाओं की यहाँ पर चर्चा याद आ रही है, जिसका यहाँ सब बातें कहने का अवसर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातों का मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा। एक बार परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में ही सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी थे। उन्होंने गुरुदेव जी के लिए, हमारे गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के लिए पत्र लिखा और कहा कि साहेब जी यहाँ आपको आना चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा वहाँ आने की मेरी क्या ज़रूरत है, वो सन्यासियों की जगह है, और फिर मेरा जो विचार है कबीर विचार है, और कबीर विचारों में कोई मुलहिजा नहीं किया जाता है। देवी देवता, तीर्थ मूरत, गंगा यमुना आदि का यहाँ पर खुलासा खंडन किया जाता है, वहाँ मुझे कौन सुनेंगे। तो साहब श्री ज्ञान साहब जी ने कहा नहीं साहब, आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ आवें। और वहाँ पर परमार्थ निकेतन के जो मुख्य आचार्य थे उनसे श्री साहब जी ने बात कर लिया था कि हमारे एक बहुत ही योग्य और बहुज्ञ संत हैं, उनको यहाँ बुलाया जाए। उन्होंने कहा कौन है वे, तो बताए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का नाम। उन्होंने कहा कि देखो वे कबीरपंथी हैं और यहाँ हम लोगों की जो सभा है वो दूसरे ढंग की है,
और वहाँ यहाँ पर वे आकर के कैसे बोलें, कहाँ आप उनके लिए अगर ऐसा सोचते हैं तो पूरी तरह से उनके बारे में नहीं जानते हैं, वे कोई सामान्य संत नहीं हैं, बहुत योग्य और पूर्णत्व प्राप्त और अनेक सभाओं में किसी भी मतपंथ की जगह हो और कोई भी मंदिर मस्जिद की जगह हो, सब जगह उनके विचार सुने जाते हैं और सभी मतपंथों में उनके विचार सबके लिए लागू होते हैं। आप उनको बुला करके तो एक बार देखिए। और वे तैयार हो गए, बुलाए गए। वहाँ दो सभाएं होती थी, सुबह और शाम की। जो सुबह की सभा होती थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी, तो उस सभा में सतगुरु श्री अभिलाष साहब जी को उन लोगों ने आमंत्रित नहीं किया, शाम की सभा में आमंत्रित किया। तो गुरु जी गए और 5 मिनट का टाइम दिया गया और गुरु जी 4 मिनट बोले और 4 मिनट जो बोले 1 मिनट छोड़ दिए। 4 मिनट में ही पूरी सभा में इतना उत्साह जग गया, इतना आनंद आ गया और इतना सब मंत्रमुग्ध हो गए कि क्या पूछना। और वहाँ के जो आचार्य थे, शेष 1 मिनट पूरा सतगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की प्रशंसा के लिए कहते रह गए। और उन्होंने उनका जो एक खास वाक्य था, उन्होंने ये कहा कि एक एक अक्षर स्वर्णिम रूप में लिख करके दीवार में टांगने लायक है। फिर वे इतने खुश हुए। वहीं पर देहरादून से एक सेठ जी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं एक वक्ता चाहता हूँ, जो मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ शक्ति यज्ञ के नाम से, और वहाँ पर कोई वक्ता चाहिए। तब उन आचार्य जी ने कहा कि अरे यहाँ बहुत बड़े वक्ता आए हुए हैं, आप उनके पास जाकर के मिलिए। तो जब बताए तो फिर वहीं पर देहरादून भी गुरु जी को जाना हुआ। ये सन 65 की बात है। तो श्री ज्ञान साहेब जी जहाँ भी रहते थे वे योग के संतों को और अपने गुरुजनों के लिए सदैव आदर का भाव रखते थे और उनके लिए सदैव झुक करके रहते थे, उनको श्रेष्ठ समझ करके उनकी सेवा भी करते थे। हम सन, ये सन शायद 98 या 99 की बात होगी, सतगुरु श्री अभिलाष देव जी के साथ हम बिहार में थे और उसी समय श्री ज्ञान साहेब जी साथ में थे एक कार्यक्रम में। शाम को पहुंचना हुआ, विशाल कार्यक्रम था जहाँ पर करीब करीब 30,000-40,000 की भीड़ रही होगी। गुरुदेव जी जब पहुँचे चारों तरफ से लोगों का हुजूम टूट पड़ा। श्री ज्ञान साहेब जी थे, गर्मी का दिन था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, बारिश हो गई थी, उमस इतना ज़्यादा थी कि सहन नहीं हो रहा था। हम लोग गुरुदेव जी के आवास व्यवस्था में तैयारी में लग गए, लेकिन वहाँ मैंने देखा श्री ज्ञान साहेब जी जाकर खड़े होकर के गुरुदेव जी को पंखा झल रहे थे। ये संतों की रहनी होती है। संत जहाँ होते हैं वे सदैव बड़ों को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भी इतना बड़ा हूँ, इतना पुराना हूँ, इतना योग्य हूँ तो मैं किसी की सेवा क्यों करूँ। साधक के लिए आज इस रहनी की साधु समाज में कमी हो रही है। हम सभी साधकों को, संतों को, जिज्ञासुओं को, भक्तों को ऐसे गुरुजनों से प्रेरणा लेना चाहिए और सीख करके इस आधुनिक बहाव में, जो आज हम भौतिकवाद के बहाव में बह रहे हैं, चाहे भक्त लोग हों या संत लोग हों, उस बहाव से मुड़ करके अंतर्मुखता की तरफ आवें। ये दुनिया की चीज़ें, ये बाल बच्चे और ये मठ मंदिर, ये महल और बिल्डिंगें और ये सानो शौकत काम आने वाली नहीं है किसी की। काम आएगी तो उन ज्ञानवान, बोधवान, विचारवान संतों के जीवन के उपदेश और रहनी ही काम आएगी। और ऐसे हम अपने उन पुरुषों के, जो साधना, ज्ञान, बोध, वैराग्य की ऊंचाई पर चढ़े हुए थे, वे चाहे वर्तमान के संत गुरुजन हों और चाहे पूर्व के हमारे गुरुजन हों, श्रद्धेय हों, उन सब की रहनी, आचरण, उपदेश हमारे लिए एक खुली किताब है, हमारे लिए एक दर्पण का काम करती है और उसमें अपने प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं और देख करके अपने जीवन को हम कल्याण की तरफ आगे बढ़ावें। इन महापुरुषों की याद करना और उनके गीत गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत तब पड़ जाती है जब हमारे लिए भविष्य अंधकारमय दिखता है और उस अंधकार यात्रा में इन गुरुजनों का ज्ञान प्रकाश ही तो दीपक का काम करता है।
और उस दीपक का सहारा लिए बिना हम इस संसार में भटक जाएंगे। और घोर जंगल चारों तरफ है, जहाँ पर अनेक विषैले और हिंसक जानवर हमें लूट खाने के लिए तैयार हैं, और उनसे बचने के लिए गुरुजनों का ज्ञान और उनकी रहनी, उनका सानिध्य, उनका उपदेश, उनकी सेवा, उनकी भक्ति ही साधन है। इसलिए हम उन गुरुजनों को याद करके अपने जीवन में कल्याण पथ को प्रशस्त करें। और मैं परम पूज्य श्रद्धेय सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए और उन समस्त महापुरुषों गुरुजनों के चरणों में सर झुकाते हुए अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।